जो लिबरल आंटियां है मेरा जिसम मेरी मर्जी, उन लोगों ने यही एक बदला ले लिया जो हमारे आईके साहब ने वो इंटरव्यू दी हुई थी ना HBO को, और उसने पर्दे की बात की थी, तो इन लोगों ने खामोशी से उसका बदला ले लिया और उसे दिखा दिया कि ये रहा तुम्हारा पर्दा। जो अवार्ड शो हुआ है जिस तरह उसमें ड्रेसिंग लोगों ने पहना हुआ था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इस्लामी रियासत है, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, तो इसमें ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबके सामने इस तरह की ड्रेसिंग करना, ये बहुत वल्गर ड्रेसिंग थी जो अवार्ड शोज में थी। ये हमारा इस्लामी मुल्क है जी, इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो यहाँ पे इस्लामी मुल्क में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फायजा मलिक। उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरह से अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए, तो वहाँ पर एक टॉप ट्रेंड है जनाब। एक दिन पहले जो हम टीवी शो की जानिब से एक अवार्ड शो मुनक़िद किया गया है, हम टीवी की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा टीवी नेटवर्क है और नेशनल टीवी है, और लोगों की जानिब से शदीद तनकीद, शदीद गम व गुस्सा और अजीब किस्म की बरहमी का इजहार किया जा रहा है। और अगर आप ट्विटर पर जाएँ, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे जाएं, तो आपको वहाँ पे टॉप ट्रेंड नज़र आएगा। कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके लिबास के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और ओवरऑल जो हम टीवी का अवार्ड शो है उसके ऊपर तनकीद का इजहार किया जा रहा है। और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या वो सिर्फ वहाँ पर ट्विटर हैंडल तक ही महदूद है, ये यहाँ पर भी वो अपने गम व गुस्से का इजहार इसी तरह से कर रहे हैं या इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लोगों की राय। जी सर, क्या कहेंगे हम टीवी शो के अवार्ड पर? जी देखें, हम बेसिकली हम पाकिस्तानी हैं और हम लोग फॉलोवर्स हैं, मुस्लिम हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो जिस तरह के वल्गर ड्रेसेस थे, इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैमिली इस तरह के माहौल में आप उसको देख नहीं सकते बैठ के, ठीक है। और डिज़ाइनर्स, उनको तो बिल्कुल ख़ुद सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, और इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पहले हमारे आला हकाम को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपके ख्याल में आला हुकाम को क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे हान साहब की स्टेटमेंट आई कि भाई खवातीन का कम लिबास नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम देख रहे हैं पे दर पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम मुस्लिम्स हैं ना, ठीक है, हम सेम साइड मशरक और मगरिब दोनों के दरमियान हम इस वक्त फंस चुके हैं, ठीक है। सेम साइड हम चाहते हैं कि हमारे घर की जो बच्चियाँ हैं वो दुपट्टा भी लें और उस तरह से ड्रेसअप करें, लेकिन जिस वक्त वो इस तरह के प्रोग्राम्स देखेंगे तो डेफिनेटली वो उन लोगों को फॉलो करेंगे और उस तरह के ड्रेसेस के ऊपर ही आएंगे, तो हमारा सारा का सारा जो एटमोसफेयर है हमारे मुल्क का, हमारी कंट्री का, वो उसके मुताबिक ख़राब होगा। सही, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। देखें, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और ड्रेसिंग और 1973 के आइन में भी है कि औरत को एक चादर और चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिस तरह एडवांस दौर आ रहा है, 21st century है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्हें लिहाज करना चाहिए जी। और थोड़ा सा मतलब ड्रेसिंग को अपने अच्छे तरीके से, अच्छे लिहाज से मतलब ड्रेसिंग करनी चाहिए। सही, थैंक यू सर। ये इन लोगों को हमने स्टार बनाया है, अब ये अजीब अजीब कपड़े पहन के आ रहे हैं, आजकल की यंग जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा? अब हम तो यही कह सकते हैं इन्हें इन कामों से रोकें, ऐसी ड्रेसिंग बंद हो जाए, क्योंकि इनको हमने स्टार बनाया है, सेलेब्रिटी बनाया है, अब ये हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं इधर गंदे गंदे कपड़े पहन के। मेरे रिमार्क्स यही हैं जो सारी आवाम के हैं, आजकल सब इसको मतलब नेगेटिव उसमें ही लेके जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में जिस तरह से हमारा मुल्क परवान चढ़ रहा है कि मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा चाहिए हमें, ना कि हम मतलब यूरोप को देख के और इंडिया को देख के वल्गैरिटी को ज़्यादा प्रमोट करें जिस तरह हम टीवी कर रहा है, ये बड़ा नामुनासिब मतलब उनका अंदाज़ है। और मैं चाहूँगा कि कोई गवर्नमेंट के हायर लेवल पर हम टीवी पर कोई बहुत सख्त किस्म के मतलब नोटिस लें और उनको मतलब मेरे हिसाब से बैन करना चाहिए हम टीवी को, कि वो मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बहुत गलत है, ना ही मतलब हम लोग बिल्कुल मॉडर्न हैं ना ही बैकवर्ड हैं, बस हमारा जो एक अपना ड्रेस है, शलवार कमीज़ कह लें या जो भी है, वो हमारे लिए बहुत मुनासिब है, और हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत इजी होकर जिस चीज़ को देख सकें वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक रहेगा आगे फ्यूचर में भी। तो बस मैं तो अपील यही करूँगा कि खान साहब ने तो कुछ दिनों पहले कहा था कि पता नहीं अजीब सी बात आपको ना लगे कि ख्वातीन अपने आप को ज़रा रोक के ढक के रखें ताकि हम मर्द भी सही चलें, तो इसी चीज़ पे अगर सारे चलेंगे तो ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैडम, क्या कहेंगे? सब लोगों ने देख लिया, ये जो लिबरल आंटियां है मेरा जिसम मेरी मर्जी, उन लोगों ने यही एक बदला ले लिया जो हमारे आईके साहब ने वो इंटरव्यू दी हुई थी ना HBO को, और उसने पर्दे की बात की थी, तो इन लोगों ने खामोशी से उसका बदला ले लिया और उसे दिखा दिया कि ये रहा तुम्हारा पर्दा। उन्होंने उसका बदला ले लिया लिबरल आंटियों ने, साफ बात है, क्लियर बात है जी, इसमें दूसरी कोई बात नहीं होती। इन लोगों ने बदला ले लिया और अच्छी तरीके से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह बहुत रोशन हो गया इसी वजह से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आइंदा भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन हो?
मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून बन जाए कि ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा दिया जाए ताकि लोगों को इबरत मिल जाए इसी वजह से। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या कोई सेकुलर मुल्क तो नहीं है कि इस तरह हो रहा है इस मुल्क में? तो लाजमी बात है, बहुत जुल्म हो गया है। हमारे कायदे आज़म का जो पाकिस्तान था उसका तो नाम वो बदनाम हो गया है। मेरा तो ये रिमार्क से जिस तरह पिछले दिनों इमरान खान ने कहा था हमारे वज़ीर आज़म ने कि जो ड्रेसिंग के ऊपर ये सब कुछ जो है ना बंदे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट लाते कि अगर आप ड्रेसिंग सही करेंगे तो यहाँ पे जो है ना रेप ये केस यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होंगे। और ये जो जो अवार्ड शो हुआ ये बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान के, ये मैं कहता हूँ कि इस्लामी मुल्क इधर तो बिल्कुल, और हम टीवी के ऊपर जो है ना बैन लगना चाहिए ठीक है, और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह कभी जो है ना फिर इस तरह ये जो अवार्ड शो हुआ है जिस तरह उसमें ड्रेसिंग लोगों ने पहना हुआ था ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इस्लामी रियासत है ठीक है, इस्लामी मुल्क है, तो इसमें ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सही नहीं हुआ कल जो इस पे बहस हो रहा था टीवी पे, इस तरह जो है ना हमारी इस्लामी मुल्क है, इस तरह की चीज़ हमारी इधर हमें जेब नहीं देते, और ये तो दूसरे मुल्कों में होता है लेकिन इधर इस तरह में इस तरह की चीज़ पसंद नहीं करते हम पाकिस्तानी लोग हैं, और इस तरह जो है हमारी मुल्क में इस बर्बादी की तरफ जाएगा फिर इस तरह की। जी मैं तो यह कहना चाहूँगा कि यह एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह ये एक मेरे ख्याल में सही तरह इम्प्लीमेंट यह नाम नहीं हुआ है ना, तो इस लिहाज से एक जो है ना डेमोक्रेटिक स्टेट है तो इसमें हर किसी को यह आज़ादी हासिल है कि वो अपने राय के मुताबिक उसको आज़ादी हासिल है कि वो किस फॉर्म पे जा रहा है, कौन सा वे को फॉलो कर रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तो मतलब पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है, अगर टीवी शो के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देखा जाए तो ये वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ टीवी शो ये ऐसी है कि वहाँ पे आवाम के सामने रख दिया, इसलिए और ऐसी कोई मैं महसूस नहीं कर रहा कि यह बुरी है। यह तो हर किसी के अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदे को अपनी राय के मुताबिक समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो ड्रेस वगैरह जो है ये इस्लामी मुल्क है, इस तरह का तो नहीं होना चाहिए, हमें इस्लामी तरीके पे चलना चाहिए, हमारा मज़हब जो है इस्लाम जो कहते हैं हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो फजूल की जो ये ड्रामों में ये टीवी शो पे जो दिखा रहे हैं ये वैसे फजूल की बातें, इस तरह तो हमें तो नहीं करना चाहिए, हमारा इस्लाम तो इस तरह की इजाज़त नहीं दे सकता। और हम टीवी के हवाले से क्या कहेंगे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह की तो कोई चीज़ें इस तरह नहीं करनी चाहिए। ये हम चैनल पे जो अवार्ड शो हुआ है ये बिल्कुल भी जो है ना इस्लामी त्यौहार का नहीं है, ठीक है इंसान को ओवर होना चाहिए मगर हर चीज़ की एक लिमिट्स होती है, इन्होंने जो इस्लामी त्यौहार के जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस कर गए हैं, इसलिए कि हमारी बच्चियां भी देख रही होती हैं, माए बहनें देख रही होती हैं, फिर हम फैमिली के साथ देख रहे होते हैं तो हम आपस में क्या फील करेंगे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, तो ये तो हम तो इंडिया को भी क्रॉस कर गए हैं, तो ये तो एक हर चीज़ होनी चाहिए मगर लिमिट्स में होनी चाहिए। बेशक लड़कियां ड्रेसिंग करें अच्छी इस तरह जीन्स वगैरह पहने, लेकिन बिल्कुल बोल्ड हो जाना तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और मीडिया पे सबके सामने इस तरह अवार्ड शोज़ में जाहिर सी बात है जो हम ड्रेसिंग वो लोग करते हैं हम उसको बहुत कॉपी करते हैं, लेकिन सबके सामने इस तरह की ड्रेसिंग करना ये बहुत वल्गर ड्रेसिंग थी जो अवार्ड शोज़ में थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी ड्रेस है वो एक माहौल के साथ आपको सूट करता है, जिस तरह का माहौल होता है उस तरह की वहाँ ड्रेसिंग की जाती है, तो ये तो एक इस्लामी मुल्क है, मेरे ख्याल में ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इस्लामी मुल्क है जी, इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हम मुसलमान हैं तो यहाँ पे इस्लामी मुल्क में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। ये तो बड़े अफसोस की बात है, जैसा कि आपको पता है इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, तो इस्लामी मुल्क है उसमें ऐसा ड्रेस आपको जेब नहीं देता। हाँ करें थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं है कि आप ना करें, जितना हो सकता है करें, पर इतना ज़्यादा ना करें कि मतलब वो देखने वाले को गलत लगे, फैमिलीज होती हैं फिर हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ यहीं से देख रही हैं आजकल, आपको पता है टीवी में हर टाइम घुसी रहती है तो फिर वो ये चीज़ें सीखती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद किया जाए। तो नाज़रीन जैसा कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, आपने प्रोग्राम देखा होगा, और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे तमाम जितने भी लोग थे उनकी जानिब से यही कहा गया था कि भाई ड्रेसिंग आप करें ज़रूर करें, बोल्ड ड्रेसिंग हो, लेकिन नेशनल टीवी चैनल पर इस तरह की चीज़ें दिखाना या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या राय है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये टीवी शो जो है ये अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, जो भी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिव्यूज़ हैं वो आप ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट के जरिए, और साथ ही साथ की पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।